नमस्कार दोस्तों, शेयर चैट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ त्रिपाठी। दोस्तों बात करते हैं भो ज ख ग से शुरू होती है जिनके नाम की, उनकी राशि मकर राशि होती है। तो चलिए आपके जीवन में क्या कुछ सकारात्मक होने वाला है, क्या कुछ नकारात्मक होने वाला है, तमाम पहलुओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में। सफल होने के लिए खुद को ज़्यादा बेहतर बनाने और मेहनत करने की ज़रूरत है, ऐसा बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा, अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। और किस्मत की बजाय कर्म पर भरोसा रखें, दूसरों से सलाह लेने की बजाय अपने दिल की आवाज़ सुने। दूसरों के भरोसा करने से पहले अपने आप पर भी आप भरोसा कीजिए। आपको ज़रूर बात है कि आपको अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा सकारात्मक रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उस पर गंभीरता से विचार करें, और निजी मामलों में किसी का दखल न होने दें। छोटी छोटी बातों पर तनाव लेने के बजाय समाधान निकालें। छोटी छोटी बातों पर तनाव लेने के लिए समाधान निकालने की ज़रूरत है। वहीं व्यवसाय की अगर बात करें, काम करने के तरीकों में नए प्रयोग आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। इस समय पार्टनरशिप की कोई योजना बन रही है तो वहीं आपके लिए बात करें तो पार्टनरशिप की योजना बन रही है। तो अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं दोस्तों, उसको आप डेडिकेशन के साथ करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम को अधमने से करते हैं। जब भी आप किसी काम को अधमने से करेंगे तो वो काम आपका कभी ना दर्शक पसंद करेंगे। जैसे अगर कोई बोल रहा है या कोई भी अगर एक्स वाई जेड कुछ भी आप करेंगे, अगर आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, हर एक फील्ड का अपना एक विशेष महत्व होता है, उसी के अनुसार आप कार्य को क्रियान्वित कीजिए। अगर आप उसी तरीके से कार्य को क्रियान्वित करेंगे तो आपका काम निश्चित ही सफल होगा। व्यवसाय संबंधित अगर बात करें तो काम करने के तरीकों में नए नए प्रयोग आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस समय पार्टनरशिप की कोई योजना बन रही है तो थोड़े वक्त के लिए उसे स्थगित कर दें। अगर पार्टनरशिप की अगर कोई योजना बन रही है तो आप उसे थोड़े समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। वहीं आपके परिवार की अगर बात करें तो पति पत्नी के बीच सामंजस्य रहेगा। लव लाइफ में एक दूसरे को आप गिफ्ट देंगे और आपका जो जीवन है वो खुशहाल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित यानी रूटीन को अगर बात करें तो लापरवाही न करें, हाजमा कमज़ोर रहेगा। और इसके अलावा भाग्यशाली रंग की अगर बात करें तो पीला रंग भाग्यशाली है, और भाग्यशाली अंक की बात करें तो 8 नंबर आपके लिए बहुत लकी। नमस्कार।